जंग लड़नी पड़ रही है तोड़ने के लिए नीतू की बनाई। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, ये देखिए लाइन, यहाँ से हमको घूम घूम के जाना है, यहाँ से तो नजदीक जाते हैं। अभी हम लोग अपना सामान जमा कर रहे हैं क्लॉक रूम में। ये डिफेंस का पर्ची काउंटर है। जय माता की दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली से वैष्णो धाम, और हमने जिस ट्रेन में बुकिंग की है वो है श्री शक्ति एक्सप्रेस। तो हम एक ऐसी ट्रेन ढूंढ रहे थे जो कि हमें सुबह सुबह कटरा पहुंचा दे और शाम तक हम वापस रिटर्न भी हो जाएं। तो ये श्री शक्ति ट्रेन हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि ये ट्रेन न्यू दिल्ली स्टेशन से शाम को 7:05 पे चलती है। इस ट्रेन का टाइमिंग सुबह 6 बजे का है कटरा पहुंचाने का, लेकिन ये हमें सुबह 5:30 बजे ही, मतलब एडवांस में ही हमें कटरा पहुंचा देगी। तो इस ट्रेन के थ्रू हम एक ही दिन में अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो न्यू दिल्ली से कटरा स्टेशन जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बस, फ्लाइट या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ता, इजी और कन्वीनियंट वे है इंडियन रेलवे, जिसमें सबसे सस्ता किराया 215 रुपये है, और अगर आप थर्ड एसी प्रेफर करते हैं तब भी आपका पर पर्सन 1000 रुपये ही लगेगा। तो अभी हम पहुंच गए न्यू दिल्ली स्टेशन और सामने हमारी ट्रेन खड़ी है, ये है श्री शक्ति एक्सप्रेस और इस ट्रेन का नंबर है 22461। हमने इस ट्रेन में बुकिंग 10 दिन पहले की थी, तब भी हमें RAC ही मिला था, लेकिन आज ये कन्फर्म हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने वैष्णो देवी की यात्रा पर्ची ऑनलाइन पहले ही निकाल ली है। वैसे तो ये यात्रा पर्ची कटरा स्टेशन में और कटरा बस स्टैंड में मिल जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि कभी कभी यात्रियों की ज्यादा संख्या होने की वजह से ऑफलाइन यात्रा पर्ची काउंटर बंद कर दिए जाते हैं, जिस वजह से हमें कटरा में काफी देर वेट करना पड़ सकता है। तो हमारी ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस माता के धाम के लिए दिल्ली से निकल चुकी है। हमारी जर्नी शुरू हुए 1.5 घंटा हो गया है और अभी बज गए हैं 8:30, और अभी हो गया है हमारा डिनर का टाइम। डिनर में नीतू ने बनाई है पूरी और आलू भाजी की सब्जी, और ये जो पूरी आप देख रहे हैं ये पूरी नहीं रबर है, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये है वो पूरी जो नीतू ने बनाई है, कोविड से कोविड सही हो गया, ये तो सही हो गई, उसका साइज 8 फेलियर हो गया, 8 फेलियर तो हुआ है सबका, हमारे जंग लड़नी पड़ रही है तोड़ने के लिए नीतू की बनाई है। क्या हुआ है सबसे बड़ी बड़ी भैंस का नीतू द शेफ सबके सामने वालों की गलती है, यही है ललिता खाने वाली की गलती है, खिलाने वाली की गलती है। इस जर्नी में मेरे साथ है मेरा साला, मेरा दोस्त सुरजीत, उसकी वाइफ ललिता और उनके बच्चे आकांश और निक्कू। हमारी ट्रेन की जर्नी काफी अच्छी और मजेदार थी। ट्रेन में काफी सारे लोग माता का भजन गाते हुए माता के दर्शन को जा रहे थे, वो सुन के ट्रेन से ही हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि माता हमारे साथ साथ ही चल रही है। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई सोई तकदीर जगाई, ये बात न सुनी सुनाई, मैं खुद ही जी बदलाता, नदियाँ मेरी माता, नंगे नंगे पार चले आ गया री माँ एक तेरा पुजारी। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कटरा स्टेशन में, और ये देखिए पीछे आप भीड़ देखिए आप। तो अभी बज गए हैं सुबह के 5:30 और ये ट्रेन पहुंच गई है कटरा स्टेशन एकदम अपने सही टाइम पर। ये जो आप लंबी लाइन देख रहे हैं ये लाइन कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने की है, और ये लाइन देखिए यहाँ से ही कितनी लंबी ऊपर तक लगी हुई है। हमें तो दोनों वैक्सीन लग गए हैं, तो हमारे पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है जिसका प्रिंट आउट हमने पहले ही ले लिया था, क्योंकि हमें पता था कि स्टेशन में ही हमारा ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होगा। तो आप भी अगर यहाँ पे आए तो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर COVID-19 RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट जो कि 72 आवर्स वैलिड हो वो जरूर लेके आए, क्योंकि वो दिखाने के बाद ही आपको स्टेशन से बाहर निकलने दिया जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको वो टेस्ट कराना पड़ेगा जिसमें आपका 1-2 घंटा वेस्ट हो सकता है।
मास्क भी नीचे कर लो। हाँ, ये विक्ट्री पहुंच गया, विक्ट्री हो गई। माता के भवन का रास्ता आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि हमें कैसे कैसे जाना है। यहाँ से भवन का डिस्टेंस है वो टोटल 14 किलोमीटर का है। स्टेशन से उतरते ही वाव देखिए माता के भवन का नज़ारा कितना शानदार दिखाई दे रहा है। यहाँ से उतरते ही आपको ये जो लाइटिंग के थ्रू लाइन दिख रही है यही है माता के भवन तक के जाने का रास्ता, जो कि रात में लाइटिंग की वजह से कितना शानदार और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ नीचे से वहाँ ऊपर तक, ऊपर चोटी में जो मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाना है माता के भवन के लिए। सैंपलिंग के लिए यहाँ से जाएं। मोबाइल में ही सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, यहाँ पर स्पेशल प्रिंट आउट लेके आने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो प्रिंट आउट लेके अगर इनकेस वो लोग प्रिंट आउट मांगते तो कहाँ जाते, लेके लेके आते, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पर प्रिंट आउट लेके आने की। इंक्वायरी लॉकर रूम ऊपर है। अभी हम लोग अपना सामान जमा कर रहे हैं लॉकर रूम में। ये स्टेशन पे एक लॉकर रूम है। तो सुबह के 6 बज रहे हैं, तो सुबह के 6 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक है ये। 15 रुपए एक बैग का चार्ज है, ये अपडेट है। फ्री नहीं है। 15 रुपए एक बैग का चार्ज है, और अगर चाबी गुम हो गई तो 500 रुपए इसका फाइन है। तो हाँ। चाबी को संभाल के रखें, और यहाँ पे ही फैसिलिटी है बैग जमा करने की, तो यहाँ पे भी जमा कर सकते हैं। और वहाँ कटरा से यात्रा स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई है जहाँ पे आप अपने बैग वगैरह जमा कर सकते हैं। तो हमने यहीं पे जमा कर दिया है, आगे जाके फिर हमारा टाइम बच जाएगा। चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों स्टेशन से बाहर जा रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है स्टेशन पे ही। चलो भाई सामान मिल गया है, अभी चलते हैं ऊपर। मालवा एक्सप्रेस आने वाली है 8:30 पे, और अब हमारी जर्नी यहाँ से शुरू होने वाली है माता के भवन के लिए। यहाँ स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो मिल जाएंगे जो कि 210 रुपए आपसे लेंगे और आपको बाण गंगा मार्ग तक छोड़ देंगे। ये डिफेंस का पर्ची काउंटर है, जो मेन जो ऊपर भवन का रास्ता है एंट्री है वहाँ से, ये थोड़ा नीचे है, लगभग 500-600 मीटर नीचे है। अभी हमने पर्ची ले ली है। तो ये थी हमारी पूरी यात्रा, हमारा पूरा एक्सपीरियंस न्यू दिल्ली स्टेशन से कटरा तक की। इसके आगे की यात्रा हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, जो कि होगी बाण गंगा मार्ग से माता के भवन तक की। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारी यात्रा का, और आपको पूरी यात्रा की डिटेल्स सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको बताएंगे कि आप एक ही दिन में माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।